हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड्स, आज की जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो नवरात्रि स्पेशल रेसिपी है, जिसको हमने आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। बिना दूध के इस्तेमाल किए हुए, बिना खोए के, बिना कंडेंस मिल्क और बिना चीनी के बनाया है, और फिर भी ये इतनी लाजवाब मिठाई बनकर तैयार हुई है। बहुत ही ज़्यादा जायकेदार है। और इस मिठाई में ये 4-in-1 मिठाई है फ्रेंड्स, क्योंकि इसमें आपको 4 जायके एक साथ मिलेंगे, जैसे कि लड्डू का, बर्फ़ी का, मिल्क केक का और कलाकंद का। और आप यकीन जानिए, आपको ये मिठाई बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी, और इसे एक बार बनाकर जब आप खाएंगे तो दोबारा ख़ुद बनाने पर मजबूर हो जाएंगे। तो ये बहुत ही ज़्यादा लाजवाब मिठाई है, और मैं इसका टेक्सचर भी आपको दिखाती हूँ। देखिए कितनी सॉफ्ट है, एकदम मुँह में घुल जाने वाली ये मिठाई है, और बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस मिठाई है फ्रेंड्स। आप देख सकते हैं, देखने में भी कितनी ज़्यादा यमी है, बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस है। और मेरी इस रेसिपी को आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, तो दोबारा तो आप ख़ुद बनाने को, इस मिठाई को मजबूर हो जाएंगे फ्रेंड्स, बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस है। तो इस मिठाई को बनाने के लिए हमने किस किस चीज़ का यूज़ किया है, आइए मैं बताती हूँ। तो यहाँ मैंने पनीर का इस्तेमाल किया है, ये फ्रेश पनीर है, 200 ग्राम पनीर मैंने यहाँ पर लिया है फ्रेंड्स। और पनीर से एक तो मिठाई बहुत ज़्यादा जल्दी बन जाती है, एक बहुत ही जायकेदार भी बनती है और हेल्दी भी बहुत होती है। तो यहाँ मैंने 200 ग्राम पनीर ले लिया है। अब इसको हम कट करेंगे, तो इस तरह से हम इसे कट कर लेंगे। तो ये देखिए, इस तरीके से इसे कट करना है हमें। और उसके छोटे छोटे से पीसेस कर लेने हैं। तो यहाँ मैंने ग्राइंडर जार लिया है, इसके अंदर हम ये पनीर डाल देंगे। और ग्राइंडर जार आपका बिल्कुल सूखा हुआ होना चाहिए, ज़रा सा भी पानी उसमें नहीं होना चाहिए। और अब इसको मैश कर लेंगे, अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। तो देखिए बिल्कुल स्मूथ पेस्ट हमने इसका रेडी कर लिया है, और आपसे हाथ से मैश करने की मेहनत भी आपकी बच गई है, और बहुत ही जल्दी से ये मैश भी हो गया है। तो बिल्कुल फाइन पेस्ट इसका तैयार करना है हमें, और इसको पेस्ट बनाने में किसी पानी का इस्तेमाल हमने नहीं करना है। अब इसे एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे पनीर को। तो ये लीजिए, मैंने इसे बाउल में ट्रांसफ़र कर लिया है, और आप इसको देख सकते हैं कि कितना स्मूथ पेस्ट इसका रेडी हुआ है। और अब इसके अंदर हम डालेंगे जो मेन इंग्रेडिएंट है इसका, इलायची है फ्रेंड्स, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर इसमें आ जाता है। तो 1/2 टीस्पून मैंने इलायची पाउडर इसमें डाल दिया है, हरी इलायची का पाउडर। आप चाहें तो केवड़ा या रोज़ एसेंस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो आप चाहें। और इसका मेन इंग्रेडिएंट है ये मिल्क पाउडर, तो ये तो आसानी से बाज़ार में मिल ही जाता है। तो ये 7 टेबल स्पून मैं मिल्क पाउडर इसमें ऐड कर दूँगी, इससे जो खोए की कमी है वो भी दूर हो जाती है, और एक इसका टेक्स्चर भी मिठाई का बहुत अच्छा हो जाता है। जायका तो अच्छा होता ही होता है, और टेक्स्चर भी बहुत अच्छा आता है इससे मिठाई का। अगर आप चाहते हैं मिल्क पाउडर इस्तेमाल नहीं करना, तो आप इसकी जगह काजू को पीस कर आधा कप भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर नारियल का बुरादा भी। तो यहाँ मैंने कढ़ाई ले ली है, और इसमें हम डालेंगे फ्रेंड्स सिर्फ 1 चम्मच देसी घी। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने सिर्फ 1 चम्मच देसी घी में इस मिठाई को तैयार किया है, और कोई ज़्यादा घी भी इस मिठाई में नहीं यूज़ होगा। तो बस ये मैंने डाल दिया है कढ़ाई में, अब इसे मेल्ट होने देंगे। अब यहाँ पर मैंने लिया है 1/2 कप से कुछ कम ग्रेट किया हुआ गुड़। तो फ्रेंड्स, गुड़ हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, और इससे मिठाई का जायका भी दुगना हो जाता है। तो इसको मैंने अच्छे से मैश कर लिया है, और अब इसको भी डाल देंगे हम और मेल्ट होने देंगे, क्योंकि मैश करने के बाद में जब हम गुड़ को मेल्ट करते हैं तो ये ओवरकुक नहीं होता है और बहुत जल्दी से मेल्ट हो जाता है। तो ये लीजिए, गुड़ भी हमारा मेल्ट हो चुका है। और इसको लो फ्लेम पर हमें मेल्ट करना है गुड़ को, अगर हाई फ्लेम पर करेंगे तो ये जल जाएगा। तो अब जो हमने पनीर का मिक्सचर रेडी किया था उसको भी इस गुड़ में ऐड कर देंगे। तो ये देखें, और हमें फ्लेम बिल्कुल लो ही रखनी है, और लो फ्लेम पर ही इस मिठाई को हमें पकाना है।
अगर आप गुड़ का इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं तो आप शुगर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं इस मिठाई को बनाने के लिए। अब इन सबको अच्छे से मिक्स करेंगे और लो फ्लेम पर ही इसको हम लगातार चलाते हुए भूनेंगे, अच्छे से पकाएंगे। ये देखें, और यहाँ मैंने एक ट्रे भी ले ली है और इसको हम घी से ग्रीस कर देंगे अच्छे से। आप चाहें तो कोई प्लेट भी ले सकते हैं, किसी में भी ये बर्फ़ी जमा सकते हैं। तो अब इसको भूनना शुरू करते हैं हम, बिल्कुल लो फ्लेम मैंने की हुई है। और इसको जब तक हम भूनेंगे ये कढ़ाई ना छोड़ने लगे मिक्सचर। तो ये देखिए धीरे धीरे ये गाढ़ी होती जा रही है और तले को छोड़ने लगी है। तो ये जायकेदार होने के साथ साथ फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा हेल्दी भी मिठाई है, बिकॉज़ इसमें हम गुड़ का इस्तेमाल कर रहे हैं और ये तो सभी जानते हैं कि गुड़ हेल्थ के लिए कितना अच्छा होता है। तो देखिए इसने बर्तन को छोड़ना शुरू कर दिया है इस तरह से। ये देखिए ये गाढ़ी होती जा रही है और आप देख सकते हैं कि कलर भी इसका कितना अच्छा लग रहा है, बहुत ही लाजवाब कलर इसका बना है। देखिए ज़रा, क्योंकि इसमें हमने गुड़ का इस्तेमाल किया है। और बस अब ये मिठाई हमारी देखिए रेडी हो चुकी है। देखिए अब हम इसे ट्रे में डाल देंगे और इसको अच्छे से स्प्रेड कर देंगे। अब इसे स्पैचुला या किसी भी स्पून की हेल्प से आप अच्छे से स्प्रेड कर दीजिए और इसकी थिकनेस तो आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। और ये देखिए हमने अच्छे से इस मिठाई को सेट कर दिया है। और इसे बिल्कुल स्मूथ कर देंगे स्पैचुला से। तो मिठाई को अच्छे से स्मूथ हमने कर लिया है। अब यहाँ मैंने काजू लिए हैं, आप चाहें तो कोई भी ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं जैसे कि पिस्ता, बादाम या चांदी का वर्क, जो भी आपको पसंद आए वो आप यहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं डेकोरेशन के लिए। तो मैंने काजू को बीच में से कट कर लिया है, तो इस तरीके से हम इन्हें काजू को लगा देंगे यहाँ पर। तो ये देखिए कितने ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हैं काजू इसमें लगे हुए, और इसी तरीके से हम सब लगा देंगे। तो अच्छे से इनको अब हमें काजू को सेट करना है। तो यहाँ मैंने स्पैचुला लिया है, इससे अच्छे से सेट करेंगे इस बर्फ़ी को। और अब हल्के हाथों से या स्पैचुला की हेल्प से, किसी भी कटोरी की हेल्प से इसको हम काजू को हल्के हल्के से प्रेस कर देंगे ताकि इसमें बर्फ़ी में अच्छे से सेट हो जाए। तो हल्के हल्के हाथों से दबाना है, इसे ज़्यादा नहीं आपको प्रेस करना है। तो ये लीजिए बर्फ़ी हमने अच्छे से सेट कर दी है। अब इसको हम रख देंगे फ्रिज में आधा घंटे के लिए, या बाहर भी आप ऐसे ही छोड़ सकते हैं इसको। जब ये सेट हो जाए, तकरीबन एक घंटा ऐसे सेट होने में लगेगा बाहर। तो ये लीजिए बर्फ़ी हमारी बिल्कुल सेट हो चुकी है। कितनी ज़्यादा यमी लग रही है, बहुत ही ज़्यादा फ्रेंड्स माउथ वाटरिंग रेसिपी है। तो अब हम इसे नाइफ से काटेंगे। तो ये देखिए इसे कट कर रहे हैं तो बहुत ही ज़्यादा स्मूथ ये बनी है बर्फ़ी हमारी, और एकदम ईजीली कट जाती है ये। तो मनचाहे आकार में आप इन्हें काट सकते हैं। तो अब हम इन्हें इस तरीके से कट कर लेंगे। तो इस फेस्टिव सीज़न में फ्रेंड्स ये मिठाई आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और मुझे पूरी उम्मीद है आपको ये ज़रूर पसंद आएगी।
तो देखिए कितनी इजीली कट हो रही है, कोई ज़रा सा भी काटने में इसे हमें परेशानी नहीं हो रही है। अब मैं इसको आपको निकाल कर दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स कितनी इजीली ये निकल गई है, और इसका टेक्सचर आप देखिए कितना अच्छा है, और खाने में तो एकदम मुँह में घुल जाती है। बहुत ही ज़्यादा माउथ वाटरिंग रेसिपी है। अब इसे एक प्लेट में निकाल देंगे हम, और आप देख सकते हैं कि कलर भी कितना अच्छा लग रहा है। और कोई ख़ास मेहनत भी इस मिठाई को बनाने में हमें नहीं करनी पड़ती है, फटाफट से मिठाई बनकर तैयार भी हो जाती है। तो फ्रेंड्स मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी, और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा आपको कैसे लगी, और अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स को भी मेरी ये रेसिपी शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा फ्रेंड्स, और सब्सक्राइब के बराबर में जो बेल आइकन आता है उसको प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरी जितनी भी नई नई वीडियोस की नोटिफिकेशन है वो आपको सबसे पहले मिल जाएं। तो ये लीजिए हमारी यम्मी यम्मी मिठाई बनकर एकदम रेडी हो चुकी है, बिना किसी खोए के, मिल्क के और बिना किसी चीनी के। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।